आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की। जैसा कि काफ़ी अभ्यर्थियों पता होगा कि केवीएस की ओर से एक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और इसमें ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट होगी आपकी आवेदन करने की 26 दिसंबर 2022। यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में आपकी भर्ती आई है और इसमें आवेदन जो प्रक्रिया शुरू होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक इसमें आवेदन आपके चलेंगे। अब इसमें आपके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक भर्ती की, जो कि दिल्ली की ओर से सूचना आई है केवीएस की भर्ती के लिए। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पदों की संख्या है वह आपकी 6414 पद इसमें निकले हैं और आपको बता दें कि आज तक कभी भी इतनी बम्पर वैकेंसियाँ केवीएस की ओर से नहीं आई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दिल्ली में जो दिल्ली से निकाली जाएंगी भर्तियां, लगभग 10 लाख भर्तियों का उन्होंने वादा किया है पूरा करने का 2023 तक, और लगभग 1.5 या 2 लाख उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। तो एक नई शुरुआत होने वाली है टीचिंग लाइन में। तो देखिए, इसमें जो है प्राथमिक भर्ती में आप लोग कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिसने JBT कर रखा है या फिर DLED कर रखा है या फिर BTC और या फिर आपने DED और इसके बाद BED। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, इस समय हाई कोर्ट में चल रहा है यानी कि आपका BED का मैटर, कि BED प्राथमिक भर्ती में शामिल होगा या नहीं, ये आपका जो है BED का जो फैसला है ये है कोर्ट के अधीन रहेगा। जैसे भी कोर्ट का आदेश आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा KVS की ओर से, इस बात का आप लोग ध्यान रखें आवेदन करते समय। लेकिन आप आवेदन कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें। और इसमें जो है ध्यान रखें कि CTET आपके लिए पास होना जरूरी है। जनरल में 90 क्वेश्चन पे पास हो जाता है CTET, और OBC, SC और ST के लिए यानी कि 82 नंबर पे पासिंग माना जाता है। जिन्होंने इसमें पास कर रखा है सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे आपके, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, और 60 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसमें एज बता रखी है 30, यानी कि जिसकी 30 साल एज हो, और इसमें छूट भी है, आप लोग देख सकते हैं जब ये विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी इस बार, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसमें जो पद हैं आपके वह आपके प्राइमरी लेवल के होंगे और इसमें लगभग जो है सभी सब्जेक्टों का मिक्सअप पूछा जाता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, साइंस, मैथ, EVS, पेडागोजी, रीजनिंग, सभी के क्वेश्चन पूछे आएंगे और लगभग आपके 150 क्वेश्चन इसमें पूछे आते हैं। और आगे आपको सूचना मिल जाएगी और आपका जो विज्ञापन आएगा 1-2 दिन में, तो आप लोग जानकारी देख सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि इसकी परीक्षा इस बार ऑनलाइन मोड पे कराई जाएगी, ध्यान रखें आप लोग, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। और इसमें आप लोग अगर जानकारी लेना चाहते हैं अधिकतम, तो वेबसाइट का नाम है www.kv.sangathan.nic.in पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो आपको 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी के लिए 3 जने, तो इनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसमें लगभग आवेदन शुल्क होगा आपका 1000 रुपये। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं TGT के लिए। TGT में लगभग 3000 से ज़्यादा पद हैं इस बार और ये पहला मौका मिला आपको कि इतने बम्पर पद निकले हैं KVS की ओर से। और इसमें जो है एज इसमें मांगी जाती है 35, लेकिन आप ध्यान रखें कोरोना काल की वजह से इसमें एज में आपको छूट मिल सकती है, ये आप लोग अभी विज्ञापन आएगा तो आपको जानकारी मिल पाएगी।
और इसमें स्नातक में 50% आपके नंबर होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट आपने कर रखा है उसमें आपके 50% नंबर हो तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और आपने बीएड कर रखा है और यानी कि सीटेट, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे टीजीटी के लिए। और इसमें जो वैकेंसी होंगी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ साइंस और अन्य विषय भी होंगे इसमें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और अगर हम बात करें कि पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में परस्नातक मांगा जाता है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, और उसमें आपके 50% आपके नंबर होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसमें जो है पदों की संख्या लगभग ध्यान रखें 1400 के आसपास इसमें पद बताए गए हैं, 1400 से ज़्यादा ही पद हैं इसमें लगभग। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन और गणित में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस और अन्य सब्जेक्ट हैं, और काफ़ी अन्य और भी पद हैं, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की भी वैकेंसी है इसमें। तो एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने को मिला है ये, और जो कि दिल्ली की ओर से जारी किया गया है KVS की ओर से। और इसमें जो है एज के ऊपर अगर बात करें तो इस बार आपको छूट जरूर मिलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर किसी की ज़्यादा एज हो गई, 1-2 साल ऊपर है, तो आप लोग एक बार विस्तृत जो विज्ञापन आएगा उसको एक बार जरूर पढ़ें आप। ये बस ये आपका कल या परसों आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आपका ये, और इसके 5 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे इस चैनल के माध्यम से, और अन्य कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो देखते रहिए हमारा चैनल आप लोग, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।